माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के तरफ से अयांश की मदद के लिए निर्लज्जता भरा बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम मदद नहीं कर सकते, जो होगा वो लोगों से कह रहा है, सब चारों तरफ से मदद आ रहा है। सीधा जब सवाल आता है तो कहते हैं सुने हैं, लगता है जैसे कि एकदम नॉर्मल किसी को बुखार आया हो और बुखार की सिफारिश करने मुख्यमंत्री से कहा हो। अब बात यहाँ आता है कि जब नीतीश कुमार मानव संख्या के लिए पूरे बिहार में डेट घोषित करते हैं तो बिहार के पूरे युवा, पूरे जनता, पूरे महिला, पूरे पुरुष रोड पर उतर जाते हैं और मानव श्रृंखला का पहचान देते हैं और नीतीश कुमार का साथ देते हैं। लेकिन जब बिहार का बच्चा जब विपत्त स्थिति में आता है तो नीतीश कुमार का यह बयान आता है। सुने अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में, तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है, तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता, तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है फायदा। ये मंडल कमीशन के मेरा कहना यह है और पूरे बिहार का कहना यही है, जैसे अयांश को बचाने के लिए पूरे बिहार के युवा ने जिस तरह दिन रात मेहनत कर रहा है, तरह तरह के कोशिशें कर रहे हैं, वह एक मिनट में पूरे मेहनत को मिट्टी में मिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार किए हैं। जैसे ही बयान उनके पास जाता है, सवाल जाता है कि अयांश को 16 करोड़ रुपये चाहिए, SMTYPE-1 बीमारी से जूझ रहा है, तो उन्होंने ऐसे बोल देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, एक छोटे से बुखार हो और बुखार की सिफारिश करने नीतीश कुमार से कहे हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बयान से पूरे उस लोगों का हिम्मत टूट जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अयांश को बचाना है और 16 करोड़ किसी भी हाल में इकट्ठा करना है। लेकिन नीतीश कुमार इसी बात को अगर सजा कर बोलते कि हम मदद करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि अयांश को बचाएं, तो जो युवा बिहार में, पूरे भारतवर्ष में मेहनत कर रहे हैं कि अयांश को बचाना है, 16 करोड़ रुपये इकट्ठा कर रहे, जुगाड़ कर रहे हैं, कहीं से भी आ जाए, उनका दिल नहीं टूटता, उनका हौसला नहीं टूटता, बल्कि और हौसला बढ़ जाता। लेकिन नीतीश कुमार तो क्या ही कहना, ऐसे बोले जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अब हम आपको बताएं कि जब बिहार के बच्चा विपत्त स्थिति में है, पूरे बिहार के युवा उसे बचाने में लगा हो और बिहार के मुख्यमंत्री ही इस तरह का बयान दे तो कैसे चलेगा। अब बात यहाँ आता है कि जब कोई भी अभियान होगा नीतीश कुमार का, तो क्या बिहार के युवा नीतीश कुमार का साथ देंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब हम सब मिलके जितने मीडिया कर्मी हैं, छोटे मीडिया कर्मी हो, बड़े मीडिया कर्मी हो, सभी लोगों ने लगा है, हर तरह के ऐड लगा रहे हैं कि अयांश की मदद करें, अयांश की जान बचाएं, अयांश की मदद करें, गूगल पे नंबर, उनके फादर और मदर का अकाउंट नंबर डिटेल दे रहे हैं और उस पर लोगों से मदद करवा रहे हैं, आर्थिक मदद करवा रहे हैं, जितना हो सके उतना करवा रहे हैं और उसको हौसला तोड़ने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार का कोई सा भी अभियान होगा, कोई सा भी एकजुटता का अभियान होगा, तो क्या बिहार के युवा नीतीश कुमार का साथ देंगे? आप जरूर बताइएगा, क्या आप साथ देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं नीतीश कुमार के ऐसे अभियान से? अब आपको बात करेंगे कि अयांश को अगर बिहार सरकार साथ नहीं देती है तो क्या हम अयांश की जान बचाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कृपया अपने आप पे सोचिए ना, क्या अगर आपको कोई ऐसा बीमारी हो या आपके बच्चे को बीमारी हो, आपके घर में कोई ऐसा बीमारी से जूझ रहा हो, तो क्या आप छोड़ देंगे उसको? पैसे का मुंह देखेंगे? नहीं देख सकते। आप हर संभव मदद करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, अपनी जान लगा देंगे उस व्यक्ति का जान बचाने के लिए। उसी तरह अयांश है, जो अयांश का बच्चा है, बिहारी बच्चा है, सबका बच्चा है, सबका भाई है, सबका बेटा है, तो क्या अयांश को बचाना हम छोड़ देंगे? अगर बिहार सरकार साथ नहीं देती है तो क्या हम अयांश को बचाना छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी आन बान जान की बात आ गई है। अगर अयांश को हम नहीं बचा पाते हैं तो हम बिहारी का नाम फिर से हंसेगा, बिहार फिर नहीं बदलेगा और यही कहा जाएगा कि बिहार नहीं बदलेगा, बिहार की युवा नहीं बदलेगा और हम सिर्फ मजदूर राज ही मजदूर रह जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं, इसीलिए ऐसा बयान नीतीश कुमार का आता है। दोस्तों हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके हर संभव अयांश की मदद करिए, ताकि अयांश की जान बच जाए और नीतीश कुमार को भी यह सबक मिल जाए कि अगर हम बिहार के युवा का साथ खड़ा नहीं हो सकते तो बिहार में वो युवा में दम है जो अपने से भी कुछ कर सकते हैं।
धन्यवाद।